हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज देखिए फ्रेंड्स, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही प्यारी सी बेबी कैप लेकर आई हूँ। इस कैप को बनाने के लिए आपको सिर्फ 7 फंदे की ज़रूरत होगी स्टार्टिंग में। ये कैप मैं ऊपर की साइड से बना रही हूँ, ठीक है। ऊपर की साइड से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे की साइड से इसको बंद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सिंगल धागे से हमने यहाँ पर 7 फंदे डाल लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7। यहाँ पे हमने 3 प्लाई का ऊन लिया है। देखिए यहाँ पे काफ़ी सॉफ्ट ऊन है और 9 नंबर की सलाई यूज की है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है। पहले फंदे को हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, ठीक। पहले फंदे को हमने सीधा बनाया, फिर धागे को अपनी साइड लाएंगे। अब हम सभी फंदे पे जाली बनाएंगे, फिर धागे को अपनी साइड, जाली बनाया, फिर धागे को अपनी साइड करेंगे। यहाँ पे हम जाली बनाएंगे, फिर से धागे को अपनी साइड, जाली बनाया, धागे को अपनी साइड लाएंगे, जाली बनाया, धागे को अपनी साइड, जाली, धागे को अपनी साइड, जाली बनाएंगे। लास्ट में भी हमको सॉरी लास्ट में भी हमने लास्ट फंदे पे भी जाली बनाना है। ये देखिए ऐसे, तो हमने यहाँ पे सभी फंदे पे जाली बना लिया। अब आ गए हम पीछे की साइड। पीछे की साइड से सभी फंदे को आपको हमेशा उल्टा उल्टा ही बनाना है इस कैप में। ये कैप बहुत इजी है, सभी बिगनर्स भी बना सकती हैं आराम से। ये देखिए, पीछे की साइड से आपको सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। देखिए, जाली वाला जो फंदा है ये कुछ ऐसे बनेगा। यहाँ देखिए, हमने सभी फंदे को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट किया। अब आ गए हम फिर से आगे की साइड। अब यहाँ पे देखिए, हम पहले फंदे को बुनेंगे। 1, 2 फंदे बनाने के बाद फिर हम जाली बनाएंगे, धागे को अपनी साइड, एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे देखिए 2 फंदे बनाएंगे, 1, 2। फिर यहाँ पे देखिए जाली है, तो हम जाली बनाएंगे। एक एक जाली हमारी बन रही है, इसे 2 फंदे बनाएंगे। 2 फंदे बनाने के बाद एक जाली, ऐसे ही हमारी ये फंदे बढ़ते हुए जाएंगे। स्टार्टिंग में 1 फंदे पे हमने जाली बनाया था, फिर उसके बाद हम 2-2 फंदे बना रहे हैं, उसके बाद जाली। पीछे की साइड से हमेशा आपको उल्टा ही बनाना है सभी फंदे को। अब आ गए हम फिर से आगे की, अब आ गए हम पीछे की साइड। सभी फंदे को यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। अब आ गए हम फिर से आगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हम पीछे की साइड से उल्टा उल्टा बना के आगे की साइड आ गए। अब हमारी जाली ऐसे ही बढ़ती हुई जाएगी। अब हम यहाँ पे 4 फंदे बना के फिर जाली बनाएंगे, तो ऐसे ही हम जाली को बढ़ाते हुए जाएंगे। देखिए, पहले हमने 1 फंदे पे जाली डाला था, फिर 2 फंदे बनाने के बाद फिर 3, अब हम 4 फंदे बनाएंगे। धागे को अपनी साइड लाएंगे, एक जाली बनाएंगे, फिर देखिए 1, 2, 3, 4, धागे को अपनी साइड, एक जाली बनाएंगे यहाँ पे, फिर देखिए 1, 2, 3, 4, एक जाली, फिर 1, 2, 3, 4, फिर एक जाली।
यहाँ पे फिर एक दो तीन, एक जाली, लास्ट में एक फंदा ज़्यादा। अब देखिए पीछे की साइड सभी फंदे को उल्टा उल्टा बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए हमने टोटल यहाँ पे जाली और बना लेनी है, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे टोटल 15 जाली बना ली है। देखिए यहाँ पे हम काउंट करेंगे जाली को, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो टोटल हमने यहाँ पे 15 जाली बना ली है। आपको यहाँ से कम ज़्यादा करना हो, अरे छोटा बड़ा, तो आप छोटा बनाना है तो आप यहाँ पे 10 से 11 जाली बनाएंगे, और बड़ा बनाना है तो 15 से 16 जाली। तो टोटल यहाँ पे हमारी 87 फंदे, 86 से 87 फंदे आ गए हैं। अब हम जाली बनाना बंद करेंगे। तो देखिए हमारी यहाँ पे जो जाली बन के आई, बहुत ही प्यारा, ये जो ऊपर से सिलाई होगा तो ये फ्लावर की तरह बन के आएगा। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमने जाली से कोई भी फंदे नहीं बढ़ाने, टोटल जितने हमारे फंदे उतने ही रहेंगे। अब यहाँ पे हम दूसरा कलर जो लगाएंगे, ग्रीन कलर लगाएंगे, ये भी हमारा 3-ply का ही ऊन है। ठीक, यहाँ पे तीसरा कलर हम ग्रीन कलर को पीछे की साइड से हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे। सभी फंदे को देखिए हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये देखिए एक एक करते हुए हम सभी फंदे को बना लेते हैं उल्टा उल्टा। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जाली बनाकर कंप्लीट कर लिया है। जाली बनाने के बाद हमने देखिए इस कैप में ये डिज़ाइन डाली है, बहुत ही प्यारी है, ऐसे डालेंगे। डिज़ाइन डालने के बाद फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे बॉर्डर बनाया है। और बॉर्डर बना के हमने देखिए एक दो तीन चार पाँच, यानी 10 सिलाई दोनों साइड से हमने यहाँ पे बॉर्डर बना के कंप्लीट किया है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे पहले बता दूँ कि मैंने इसमें कितनी जालियाँ डाली हैं, क्योंकि इसके बाद जो मैंने वीडियो बनाया है फ्रेंड्स, वो वीडियो थोड़ा डिलीट हो गया है, इसलिए मैं आप लोग को अच्छे समझा रही हूँ। इस डिज़ाइन की जो मैंने वीडियो बनाई है उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग वो डिज़ाइन बना लेंगे, वहाँ से देख के। दूसरे चैनल पर मैंने इस डिज़ाइन को डाला हुआ है। तो देखिए, इसको हमने 9 फंदे से शुरू किया था, सॉरी 7 फंदे से। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए कितनी जाली बनाए हैं, चलिए हम काउंट करेंगे। एक दो तीन चार पाँच, ध्यान से देखिएगा। चलिए ऊपर से ही हम काउंट कर लेते हैं, ब्लर आ रहा है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। टोटल हमने यहाँ पे 15 जाली तैयार किया है। 15 जाली में यहाँ पे हमारा देखिए 86 से 87 फंदे बन के आए हैं। ठीक, एक भी फंदा कम ज़्यादा हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपका कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 15 जाली बनाने के बाद हमने पीछे की साइड से ग्रीन कलर को लगाया है। यहाँ पे आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन मैंने ये डिज़ाइन दिया है, बहुत ही प्यारी डिज़ाइन लग रही है, आप लोग खुद देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा ये लीप की तरह बन के आया, पत्ती की तरह। आप चाहें तो यहाँ पे बीच बीच में मोती भी लगा सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बहुत प्यारी लुक दे रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन हम बनाएंगे ये 6 के मल्टीपल डिज़ाइन बनेगा, और 3 फंदा आपको एक्स्ट्रा रखना, यानी 3 6 के गुणे के हिसाब से ये बनेगा, 3 फंदा आपको ज़्यादा रखना है, तो ये हमारी डिज़ाइन सेट हो जाएगी। उसके बाद देखिए, डिज़ाइन बनाने के बाद हमने यहाँ पे ये 10 सिलाइयों का दोनों साइड से उल्टा उल्टा ये बॉर्डर कंप्लीट किया है। बॉर्डर बनाने के बाद हमने इसको यहाँ पे घटा लिया, सॉरी बंद कर लिया पीछे से। इसके पहले वाली कैप में मैंने ये बंद करना आप लोग को बताया है कि फंदे हम कैसे बंद करते हैं। अब इसकी हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमने देखिए
ऐसे तो ये हमारा देखिए सीधे की साइड है ऐसे, अब इसको हम ऐसे उल्टा करेंगे, ठीक, आपको एकदम बराबर में लेते हुए, ये देखिए ऐसे। तो यहाँ पे आपको सीधी सिलाई करनी है, नॉर्मल जैसे हम सिलाई करते हैं वैसे करनी है। यहाँ पे हमने देखिए अभी ग्रीन कलर का धागा हमने डाल लिया है ऊन, तो यहाँ पे नीचे जो है ये ग्रीन का है, तो इसको हम इतना ग्रीन से ही सिल देंगे ताकि ये पहनने में यहाँ से मतलब सिलाई ना दिखे, ग्रीन से रहेगा तो सही रहेगा। तो चलिए इसकी हम सीधी ऐसे सिलाई करके फिर आप सबको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इसकी सिलाई भी कर ली इधर से, यहाँ पे देखिए, ये देखिए, आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हमने इसकी सिलाई कहाँ से की है। सिलाई करने के बाद हमने देखिए दोनों कलर से यहाँ पे छोटा सा एक पोम पोम बना के लगा दिया है, जो कि हमने फिंगर पे लपेटते हुए 10 से 20 राउंड फिर उसको कट कर दिया है। सिंपल से मैंने पोम पोम बनाया हुआ है, जबकि बहुत ही प्यारा ये लुक दे रहा है। देखिए कितनी खूबसूरत है ये, देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी लग रही है। एक चीज़ और फ्रेंड, जो हमारी 85 से 86 फंदे यहाँ पे आएंगे, तो हमने बॉर्डर के फंदे बनाने के बाद यहाँ पे आपको टाइट फंदे थोड़ी सी बंद करनी होगी, क्योंकि 86 फंदा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आपको टाइट फंदा बंद करना होगा। अगर आप लोग टाइट नहीं बुन पाते हैं तो आप बीच बीच में यहाँ से फंदे आप कम भी कर सकते हैं टोटल यहाँ पे, ताकि बॉर्डर पे हमारा जो फंदा है 70 से 75 फंदा है, ठीक, नहीं तो बहुत ज़्यादा ये लूज हो जाएगा। देखिए मैंने तो यहाँ पे टाइट बंद किया है, तो बिल्कुल परफेक्ट आया है साइज ये। तो ये देखिए फ्रेंड, 3 मंथ से लेके 1 ईयर की बेबी के लिए बहुत ही अच्छा सा बन के आया है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। ये देखिए इसकी डिज़ाइन का लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहाँ पे जाके देख लें, बहुत अच्छे से मैंने समझाया उसमें भी, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की कैप आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।